गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर रज़ा अली हूँ, यहाँ इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ कनिष्क हॉस्पिटल देहरादून से। मैं आज आप लोगों के साथ में एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है आईसीयू के बारे में और पेशेंट से रिलेटेड जो रिलेटिव्स मुझसे पूछते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत मिसकॉन्सेप्शन है वेंटिलेटर के बारे में हमारे कम्युनिटीज़ में और हमारे आसपास जितने भी लोग जो पेशेंट्स के साथ में रिलेटिव्स के साथ रिलेटिव्स रहते हैं उनमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं वेंटिलेटर के बारे में। कुछ कुछ उदाहरण उसके ऐसे हैं कि बोला जाता है कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया तो मतलब ये फाइनल स्टेज है, जान नहीं बच सकता है, ये तो बस एंड ऑफ केयर है। तो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये एक मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है। ऐसी बात नहीं है अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है इलाज करके। हम वेंटिलेटर पे मरीज़ को जब डालते हैं जब उनको वो खुद अपने आप से ब्रीद नहीं कर पाता है या वो उसकी ऑक्सीजन लेवल या उसकी ब्रीदिंग उसके वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट नहीं कर पाती है तब हम मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालते हैं। तो वेंटिलेटर बेसिकली मरीज़ को वक्त देता है सपोर्ट करने के लिए उसके वाइटल ऑर्गन्स को, ताकि जो बीमारी और जो क्रिटिकल इलनेस से वो डील कर रहा है उसको ठीक होने में थोड़ा वक्त मिल जाए। तो वेंटिलेटर इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वेंटिलेटर जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं। और इससे जुड़े कोई भी सवाल और आईसीयू से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोग डायरेक्टली हमसे कनिष्क हॉस्पिटल की वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। एंड आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। और अगर कोई इस प्रॉब्लम से भी रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।